ओ भाई मैंने ले लिया इस दुनिया का सबसे बड़ा रिस्क। आदि पुरुष देख लिया मैंने। ओए होए 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 होए। अभी वो कौन सी गाली है जो सबसे पहले ऐसे निकलती है फटाक से जब गुस्सा आता है? हाँ वही 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 जो आप सोच रहे हो। कमेंट करके बताओ और किसको बोल रहे हो ये भी कमेंट में लिखना, तो लोगों को लगेगा कि मेरे को बोल रहे हो। अभी आते हैं मुद्दे पे। अभी कौन सा नशा करके ये फिल्म बनाई है? सबसे पहले तो मेरे को यही जाने, पहले मेरे को यही बताओ, मतलब कौन सा पाउडर, कौन सा लिक्विड, कौन सा गैस, उसकी माँ का कौन सी ऐसी चीज है जिसको लेने के बाद इंसान इतना पगला जाता है बे? VFX और CGI के बाद की आखिर है, मेरे को उससे कोई शिकायत नहीं है ना। अरे एनिमेशन तो एनिमेशन, बच्चे तो एंजॉय करेंगे, ये सोच के मेरे को कोई शिकायत नहीं थी। लेकिन जब मैंने ये फिल्म देखी तो पता चला कि इंसान छोड़ो, कुत्ता बिल्ली, वो छोटे छोटे बैक्टीरिया आते हैं ना, मतलब दिखते भी नहीं है, उनके भी काम की नहीं है ये फिल्म ना। तो दूसरा सवाल ये है कि भाई क्यों बनाई ये फिल्म, मतलब क्या सोच के बनाई ये फिल्म? इसलिए किसी के काम की नहीं है क्योंकि रामायण के नाम पर धोखा हो गया। अरे कोई और फिल्म होती ना 700 क्या 7 लाख करोड़ में बनाई होती और वाहियात निकलती ना, लोगों को गुस्सा नहीं आता। पूछो क्यों? अबे फिल्म तेरे बाप की, पैसा तेरे बाप का, जलेगी भी तेरे बाप की, मेरे को क्या है, पैसा वाला सीन होता। लेकिन यहाँ पर बात रामायण की थी दोस्त, हमारे भगवान की थी, हमारे इतिहास की थी, और तुम लोगों ने सबका मजाक बना दिया। अबे श्रीराम भगवान, हनुमान जी और रावण, ये तीनों कितने गुस्से में होंगे उसका तो अंदाजा लगाओ ही मत। लेकिन मेरे को लगता है उन सबसे भी ज्यादा गुस्से में होंगे वाल्मीकि जी। सोच रहे होंगे कि मैंने कब कहा था कि लंका काली थी, रावण ऐसा था, उसके पास एक बहुत बड़ा चमगादड़ भी था, रामायण में दिन हुआ ही नहीं, सूर्य भगवान छुट्टी पे थे, हनुमान जी इस तरीके से बात कर। अभी वाल्मीकि जी अभी यही सोच रहे होंगे कि तुम लोग डिस्क्लेमर से मेरा नाम हटाओ, मेरी वाली रामायण नहीं है ये, मेरे नाम पे बिल मत फाड़ो। ये हनुमान जी के क्या डायलॉग्स लिखे हुए तुम लोगों ने? कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, जलेगी भी तेरे बाप की। ओ भाई अगर हनुमान जी ने सच में ये सब देखा होगा ना, तो और किसी की लंका लगे ना लगे, तुम्हारी लंका जरूर से लगेगी पक्का। अब बात करें रावण की, ब्राह्मण पुत्र था भाई, राजा था, धन दौलत सोना किसी की कमी नहीं थी उसके पास। जरा सोचो इतना इतना धन था उसके पास, इतना सोना था कि किसी के पास उतना नहीं था, वो कैसे रहता होगा यार, कैसे कपड़े पहनता होगा वो, और तुमने उसको क्या पहनाया बे? रावण भी नहीं छोड़ेगा तुमको, अभी जितने भी दशहरा आएंगे ना पुतले के आसपास कहीं पर खड़े मत रहना भाई, तुम्हारे ऊपर ही गिरेगा फॉर श्योर। अरे रावण छोड़ो, चमगादड़ पार्टी कितनी नाराज होगी तुमसे, कभी सोचा है? वो लोग सोच रहे होंगे कि साला जो करना था करो, हमको क्यों बदनाम किया तुम्हारी, तो रात को संभल के निकलना, ये लोग कहां से घुस के कहां से निकलेंगे, कोई भरोसा नहीं इनका, इतना गुस्सा दिलाया तुम लोगों ने इनको। और पता है सबसे ज्यादा दुख कहां पर हुआ? सुनो बे, किसी के बाप में ब्रह्मांड के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि श्रीराम भगवान को और हनुमान जी को छू सके, और तुमने फिल्म में क्या दिखाया? ये लोग मार खा रहे हैं, वो भी इतना लाचार होकर। अबे ये बॉलीवुड का ड्रामा नहीं था कि हीरो पहले मार खाता है फिर उठ के विलन को मारता है? रामायण थी बे, भगवान श्रीराम का कैरेक्टर था भाई, तुम लोगों ने लड़ते लड़ते उनको रोते हुए दिखा दिया, और वो कुंभकर्ण हनुमान जी को इधर से उधर फेंक रहे। अबे तुमने कौन सी रामायण पढ़ी है बे? जूनियर केजी के बच्चों को पूछते ना, उनसे भी अगर राय लेते तो वो बता देते कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हुआ था अंकल, ये सब गलत है। अगर मेकर्स इस वीडियो को देख रहे ना, तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि तुम लोगों ने जैसा वर्जन बताया है ना रामायण का, आजकल की जनरेशन को, खास करके बच्चों को, कतई नहीं दिखाना चाहिए। बुरा मत मानना भाई लोग, लेकिन ये उम्मीद नहीं थी आपसे। अगर बुरा लगा है ना तो दो रोटी ज्यादा खा लेना भाई। और जो जनता इस वीडियो को देख रही है, अगर आपको सही रामायण बच्चों को दिखानी है, आज की जनरेशन को दिखानी है, तो पुरानी वाली दिखाओ। हाँ टेक्नोलॉजी कम है, बजट कम है, लेकिन बच्चों को पता चलेगा कि असली रामायण ये थी। दैट्स इट।